बाद हमारे पास अपाचे 180 आई हुई है। उन्होंने सोचा इसका सेल्फ का सर्किट कैसे पूरा कंप्लीट होता है, तो उसके बारे में आज ये वीडियो बना रहे हैं। अगर आपके पास कोई अपाचे आती है, उसमें प्रॉब्लम होती है कि अगर आपकी गाड़ी के अंदर सेल्फ स्टार्ट नहीं हो पा रही है, तो आपको कैसे पता करना है कि आपका सेल्फ स्विच ख़राब है या रिले ख़राब है या सेल्फ की वायरिंग ही कहीं फॉल्ट है, तो उसके बारे में दोस्तों आज हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये देख लेना है रिले निकाल के कि आपका यहाँ से डायरेक्ट कर लेना है इसको, पहले सेल्फ चेक कर लेना है दोस्तों। तो सेल्फ चेक करने से पहले आप बैटरी की कंडीशन देख लीजिएगा कि बैटरी कंडीशन ओके है या बैटरी फॉल्ट है दोस्तों, है ना। अगर ये देखो, ये दो मोटे वायर दिख रहे होंगे दोस्तों आपको अपाचे के अंदर, इन दोनों को डायरेक्ट कर देना आप। अगर ये राउंड ले लेता है तो इसका मतलब आपका सेल्फ असेंबली ओके है। इससे पहले दोस्तों आपको अपने मल्टीमीटर से या किसी तरीके से आपको बैटरी की कंडीशन ओके चेक कर लेनी है, और बैटरी कंडीशन ख़राब हो तो बैटरी नहीं लगा लेनी है दोस्तों। आपको बैटरी कंडीशन पहले चेक करनी है, ठीक है। बैटरी कंडीशन जैसे इसमें बिल्कुल ओके है, 1280 दिखा रही है, ठीक है। तो अगर सेल्फ आपका ओके है दोस्तों, ठीक है, अब इसके आगे आपको क्या काम करना है और कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। इसमें देखो, सेल्फ अगर आपका यहाँ से डायरेक्ट राउंड ले रहा है और इन केस आप स्विच ऑन कर रहे हो, सेल्फ आपका राउंड ही नहीं लेता है अपाचे के अंदर दोस्तों। देखो, इसमें दो तरफ से करंट आते हैं दोस्तों। इधर लेकर एक ब्लू कलर का है वायर है दोस्तों, यहाँ दिख रहा होगा, जैसे ये ब्लू कलर का वायर है और एक ये ग्रीन कलर का वायर है दोस्तों, ठीक है। ये ब्लू कलर के वायर में, जैसे मैं हर वीडियो में बताता हूँ, कोई भी इक्विपमेंट चालू करने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव चाहिए होता है, ठीक है। ये ब्लू कलर का वायर हमारे इस स्विच से आता है, वो मैं आपको बताऊंगा आगे। और ये जो ग्रीन कलर का, ये अर्थिंग लेके आता है। ब्लू कलर का हमारा पॉजिटिव लेके आता है, ग्रीन कलर का अर्थिंग लेके आता है। ग्रीन कलर का तो हमारा एक क्लच स्विच से आता है दोस्तों, ठीक है। ब्लू कलर का हमारा एक किल स्विच से आता है। सबसे पहले तो आपको ये चेक कर लेना है, मनोहर इधर आना। सबसे पहले देखो दोस्तों, आपको क्या चेक करना है, ये ब्लू कलर के वायर में, ठीक है। एक ब्लू कलर के वायर में पहले तो मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पे ले लेना है और रेड कलर के पिन को इसमें डाल देना है दोस्तों, ब्लू कलर के वायर में, ठीक है दोस्तों। और एक को बॉडी अर्थ करेंगे, बॉडी अर्थ करना मतलब बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, यहाँ से अर्थ करते हैं, ठीक है। चाबी ऑन करके हम सेल्फ मारेंगे दोस्तों, ठीक है। अगर देखो दोस्तों, इसके अंदर 12 वोल्ट आ जाता है, ठीक है। यहाँ आपको 12 वोल्ट शो कर रहा है, दिख रहा है 12 वोल्ट शो कर रहा है, तो इसका मतलब आपकी यहाँ से पॉजिटिव वायर यहाँ तक करंट दे रहा है, ओके है दोस्तों, ठीक है ना, ठीक। अगर यहाँ तो अगर पॉजिटिव वायर दे रहा है, मैंने आपको बता दिया ओके है। अगर यहाँ पॉजिटिव का सिग्नल नहीं दे रहा है, मतलब 12 वोल्ट यहाँ नहीं आ रहा है, ठीक है दोस्तों, सॉरी, अगर 12 वोल्ट यहाँ करंट नहीं आ रहा है, अभी तो 12 वोल्ट शो कर रहा है, क्यों ये वायर ओके है। अगर नहीं आता है तब आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पर इसकी किल स्विच इधर दोस्तों, इसका किल स्विच है, ये देखो, ये वाला वायर है, ये स्विच असेंबली है जो राइट हैंड साइड की है, जिसको सेल्फ असेंबली है। ये वाइट कलर का कपलर है दोस्तों, ये दिख रहा होगा आपको दोस्तों, ठीक है ना, ये वाइट कलर का कपलर है। इसके अंदर सबसे पहले आप क्या करेंगे दोस्तों, ये जो ब्लू कलर का वायर है, ठीक है, इसको रेड मल्टीमीटर को अपने को 20 पे ही रखना है और रेड कलर वाले वायर को ब्लू कलर वायर में डाल देना है दोस्तों। और ये जो ब्लैक कलर का पिन है हमारे पास मल्टीमीटर का, इसको हम बैटरी के टर्मिनल से अर्थ दे देंगे दोस्तों, ठीक है ना। इसको यहाँ से पकड़ के रखो और यहाँ पर हम सेल्फ का बटन दबाएंगे। अगर दोस्तों यहाँ 12 वोल्ट आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब आप, और वहाँ 12 वोल्ट नहीं आ रहा है इस वाले वायर में, इधर वाले दिखो ना, इस वाले वायर में 12 वोल्ट नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब, और यहाँ 12 वोल्ट आ रहा है, जैसे मैं स्विच दबा रहा हूँ 12 वोल्ट आ रहा है दोस्तों, तो इसका मतलब जो यहाँ से जो वायरिंग जाती है और यहाँ तक की, इसकी कंटिन्यूटी कहीं ना कहीं टूटी हुई है दोस्तों। अब कंटिन्यूटी चेक करने के लिए क्या करेंगे, एक वायर को हम यहाँ डालेंगे ब्लू कलर वाले में और दूसरे, और मल्टीमीटर को हम बजर पे लगा लेंगे दोस्तों, ठीक है, मल्टीमीटर को बजर पकड़ो। और ये वाला ब्लू कलर का जो सेल्फ रिले पे जा रहा है दोस्तों, इससे हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। अगर बीप बज जाता है दोस्तों तो वायर ओके है, अगर बीप नहीं बज रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक वायरिंग छील के इसके अंदर कहीं ना कहीं वायरिंग कटी हुई होगी, या तो उसे जोड़ देना है। और शॉर्ट तरीका ये है दोस्तों, या तो स्विच से, ये जो, या तो ये वाले स्विच से, ठीक है,
और यह इसके पीछे जो ब्लू कलर का वायर है दोस्तों, जैसे ये वाला ब्लू कलर का वायर है, यहाँ से वायर में हल्का कट लगा के और डायरेक्ट यहाँ से जोड़ दे दोस्तों सेल्फ के रिले पे, तो यहाँ आपका 12 वोल्ट का करंट आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगर दोस्तों इसके अंदर 12 वोल्ट इसमें करंट नहीं आ रहा है, अभी तो मैंने तो ये बता दिया, अगर यहाँ पर आपका 12 वोल्ट करंट आ रहा है तब सही है, अगर अदरवाइज ठीक है, इस वायर में अगर 12 वोल्ट मैंने बताया था कि आपका इसमें 12 वोल्ट करंट आ रहा है, किसमें, इस वाले में, ब्लू वाले में, ठीक है, तब आपका मतलब वहाँ के बीच में वायर टूटा हुआ होगा दोस्तों, ये मैंने आपको बता दिया। सोचो आपका यहीं 12 वोल्ट करंट नहीं आ रहा है, ठीक है दोस्तों, फिर आप कैसे क्या चेक करेंगे दोस्तों इसमें। सबसे पहले देखो इसके अंदर एक वायर जाता है ऑरेंज कलर का, ठीक है दोस्तों, एक वायर जाता है स्विच के अंदर, ये ऑरेंज कलर का, ये वाला, ठीक है, अगर ये वायर, अगर इस ऑरेंज कलर के वायर में, ये तो स्विच में जा रहा है दोस्तों, ये स्विच में 12 वोल्ट करंट लेके जाता है दोस्तों, ठीक है, ठीक है, अगर ये वाला वायर के अंदर करंट नहीं जाएगा, और ये वाला वायर कहाँ से आता है दोस्तों, ये देखो, ये पीछे चाबी स्विच से आता है, ठीक है, ये ऑरेंज कलर का वायर, आपको इस वायर में 12 वोल्ट करंट चेक कर लेना है, ठीक है। देखो इसमें चेक करने के लिए क्या है, रेड वाले को आप नॉर्मली यहाँ लगाएंगे, कहाँ पे, रेड वाले को इसके अंदर लगा देंगे ऑरेंज कलर के वायर में दोस्तों, ध्यान रखना ऑरेंज कलर का वायर है ना, ऊपर दिखा थोड़ा सा ऊपर लेके, ये वाला ऑरेंज कलर का वायर दोस्तों, और ये ब्लैक वाली पिन को आप बैटरी के बॉडी से, बैटरी के नेगेटिव से आप टच कर देंगे दोस्तों। अगर देखो इसमें 12 वोल्ट आ रहा है, ठीक है, तब तो मतलब एक मिनट सॉरी, ये हम लोग बैटरी वोल्ट पे 20 वोल्ट पे ले लेते हैं, अगर दोस्तों इसके अंदर 12 वोल्ट आ रहा है तब तो ठीक है, ठीक है, अगर सोचो इस वायर के अंदर 12 वोल्ट नहीं आता है, ठीक है, अगर ये, अगर इसमें 12 वोल्ट आ रहा है तब तो ठीक है दोस्तों, अगर इसमें नहीं आता है तो क्या करना है आपको, यहाँ चाबी स्विच है दोस्तों इसके अंदर, ये देखो चाबी स्विच है, चाबी स्विच का वायर का कपलर है दोस्तों, इसमें से ये देखो ऑरेंज कलर का वायर है जो यहाँ पर इसको, इस वाले कपलर से इसको जोड़ देना है दोस्तों, इन दोनों को आपस में जोड़ दें, या तो अंदर से वायरिंग काट के आप रिपेयर कर सकते हैं, वो कर लें, वो आपकी मर्जी है, यहाँ से वायर काट के इसमें डायरेक्ट जोड़ दें, तब इसमें 12 वोल्ट आ जाएगा और आपका सेल्फ स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर सोचो दोस्तों इसमें भी 12 वोल्ट आ रहा है और तब भी आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, तब आपको क्या करना है दोस्तों, इसका स्विच चेक करने का एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ, सेल्फ स्विच चेक करने का तरीका। मनोहर इधर आना, देखो मल्टीमीटर को इधर दिखाऊँ, मल्टीमीटर को हम कंटिन्यूटी पे ले लेंगे दोस्तों, ठीक है, मल्टीमीटर को हमने जैसे कंटिन्यूटी पे ले लिया, इसको पकड़ना, और सेल्फ स्विच चेक करने का तरीका बता रहा हूँ दोस्तों मैं आपको, ठीक है। कई बार देखो इसमें भी 12 वोल्ट आ रहा है और ब्लू वाले में भी आपका ब्लू वाले में 12 वोल्ट बाहर नहीं निकल रहा है, ठीक है, तो आपको सेल्फ स्विच कैसे चेक करना है दोस्तों, एक पिन को रेड में लगाएं और दूसरे को देखो दोस्तों ब्लैक वाले को आप ब्लू में लगा दें, ठीक है, जो हमारे रिले पर जा रहा है दोस्तों। मल्टीमीटर को दिखाओ, मल्टीमीटर को आप कंटिन्यूटी पे लगाना ना भूलें दोस्तों, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे लगाएं और ब्लैक वाली पिन को आप ये देखो इससे जोड़ें, किससे, ऑरेंज वाले पिन से, सॉरी रेड वाली पिन को आप ऑरेंज वाले पिन से जोड़ें, ये देखो जो स्विच में से निकल रहा है दोस्तों, ठीक है, और ब्लैक वाली को आप ब्लू वाले में जोड़ें, ठीक है, और सेल्फ का स्विच दबाएं दोस्तों यहाँ से, अगर देखो स्विच के अंदर बीप बज जाता है दोस्तों, ठीक है, अगर स्विच में बीप बज रहा है तो मतलब आपका ये सेल्फ स्विच सही है, अगर बीप नहीं बज रहा है किसी कारण से, ये 1-1 आ रहा है, तो आपका मतलब सेल्फ स्विच ख़राब है, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ वायरिंग में करंट आ रहा है, सब्जी के करंट वहाँ तक भी जा रहा है, तो आपको सेल्फ स्विच चेंज करना है। सेल्फ स्विच चेक करने का तरीका मैं आपको वापस बता देता हूँ दोस्तों, ब्लैक वाले को ये ब्लू कलर का वायर है, ये जो ब्लैक पिन है हमारी, ये ब्लू कलर का जो वायर है इसमें डालें, ठीक है, रेड वाले को ये जो ऑरेंज कलर का वायर है इसमें डालें दोस्तों, ठीक है, और सेल्फ के स्विच को दबाएं, ठीक हो, जैसे ही सेल्फ के स्विच को दबाएंगे हम लोग, देखो बीप की आवाज़ आएगी, अगर बीप की आवाज़ नहीं आती है दोस्तों तो आप सबसे पहले सेल्फ के स्विच को चेंज करें, ठीक है दोस्तों। ये तो मैंने आपको बता दिया कि पॉजिटिव करंट को सामने लिया इससे, इससे लिया दोस्तों, देखो ये तो मैंने आपको बता दिया कि पॉजिटिव, यहाँ पर जो पॉजिटिव करंट आता है इसमें ना आए तब क्या करना है, और अगर आ रहा है यहाँ पर भी पॉजिटिव करंट आपका 12 वोल्ट आ रहा है और यहाँ पर भी 12 वोल्ट पूरा आ रहा है, तो स्विच कैसे चेक करना है, और सोचो इस ऑरेंज कलर के वायर में ही नहीं आ रहा है तब भी 12 वोल्ट आपको डायरेक्ट कैसे लेके आना है, ये मैंने आपको बता दिया दोस्तों। दोस्तों इसमें तो आपका 12 वोल्ट आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर भी आपका 12 वोल्ट मतलब ब्लू वाले में 12 वोल्ट आ रहा है और तब भी आपका सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है, तब दोस्तों एक चीज़ चेक करनी है, ये वाला ग्रीन वाला वायर है दोस्तों, ये हमारा अर्थिंग लेके आता है दोस्तों, ठीक है, जैसे मैंने स्टार्टिंग के वीडियो में ही आपको बताया था, कोई भी इक्विपमेंट
दो करंट से चलता, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव इन दोनों से चलता है, ठीक है। तो पॉजिटिव तो आ रहा है, अगर नेगेटिव नहीं आएगा तब भी दोस्तों आपका सेल्फ वर्किंग नहीं करेगा। सबसे सिंपल सी बात है, अगर आपको इसके अंदर नेगेटिव चेक करना है, नेगेटिव आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, अंदर अगर अर्थिंग नहीं आता है तो उसके बारे में आप कैसे, उसको कैसे पता लगाएंगे कि इसमें अर्थिंग आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसमें देखो अर्थिंग दो जगह से आता है, ठीक है, इस ग्रीन में हल्का रेड कलर का वायर है दोस्तों। इसमें अर्थिंग दो तरीके से आता है, एक तो दोस्तों न्यूट्रल स्विच से आता है हमारे, जब गाड़ी न्यूट्रल पोजीशन में होगी तब न्यूट्रल स्विच से आएगा, जब न्यूट्रल पोजीशन में नहीं है तो हमारे ये गियर स्विच से आएगा दोस्तों, क्लच स्विच से, सॉरी, ठीक है। अब आपको कैसे पता चलेगा इसके अंदर कि अर्थिंग आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसके लिए आपको सबसे पहले एक टेस्टिंग बल्ब ले लेना है। इधर ये ग्रीन कलर के वायर में एक वायर डाल दो दोस्तों, टेस्टिंग बल्ब का कोई भी वायर इस ग्रीन कलर के वायर में डाल दो, ठीक है, और एक को बॉडी से अर्थ कर दो, सॉरी पॉजिटिव से लगा दो, ठीक है ना, बैटरी के पॉजिटिव से लगा दो। अगर ये बल्ब जल जाता है तो मतलब आपका इसके अंदर अर्थिंग प्रॉपर आ रहा है। अगर सोचो इन केस अगर इसमें बल्ब नहीं जलता तो आपको दोस्तों क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे चेक करनी है दोस्तों, ठीक है। ये अगर मैं उस टाइम बता रहा हूँ जब आपका इसके अंदर अर्थिंग नहीं आ रहा है, ठीक है दोस्तों, तो आपको इसके अर्थिंग नहीं आ रहा है तो ये वायर सबसे पहले कहाँ जाता है दोस्तों, ये ग्रीन में रेड कलर की धारी है, इधर आप देखेंगे ये देखो दोस्तों ये ब्लू कलर का वायर है दोस्तों, एक जो न्यूट्रल स्विच से आ रहा है, ठीक है, ये इसको अर्थिंग करता है दोस्तों, और बीच में एक ये डायोड लगा हुआ है, और उसके बाद दोस्तों ये ग्रीन कलर का वायर है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अगर सोचो कभी कभार आपकी गाड़ी अगर न्यूट्रल में स्टार्ट नहीं होती है, ठीक है, तो आपको क्या चेक कर लेना है कि ये चीज़ आपकी, ये जो एक डायोड लगा हुआ है ये वाला प्रॉपर है या नहीं है, ये ख़राब तो नहीं है दोस्तों, ठीक है, वैसे ये कभी ख़राब होता नहीं है दोस्तों, ठीक है। दूसरा आप इसकी वायरिंग चेक कर लेंगे, जैसे ये कहाँ से मैग्नेट कॉइल से अर्थ लेके आता है दोस्तों, ठीक है, मैग्नेट कॉइल का वायर ये रहा दोस्तों, ये देखो ये मैग्नेट इधर नीचे दिखा दोस्तों, ये देखो मैग्नेट कॉइल से ये सारे वायर आ रहा है ये वाला, और ये रहा मैग्नेट कॉइल का वायर, ये रेड कलर का कपलर आ रहा है दोस्तों। इसमें देखो ब्लू कलर का वायर दिख रहा है, ये न्यूट्रल स्विच का वायर है, ठीक है दोस्तों। ये बॉडी जैसे ही न्यूट्रल होगा तो इसके अंदर अर्थिंग आएगा दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से लेके इसकी वायरिंग चेक कर लेनी है बीप पे, मगर सबसे पहले मल्टीमीटर को आपको कंटिन्यूटी पे लगा लेना है दोस्तों, ठीक है, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे लगा लें, और ये ब्लू कलर का वायर है दोस्तों जो मैग्नेट कॉइल में से निकल रहा है, ब्लू कलर का वायर, ये ब्लू कलर का वायर दोस्तों, और देखो एक यहाँ पर ब्लू कलर का वायर है, इनकी कंटिन्यूटी चेक कर लो, अगर इनकी कंटिन्यूटी ओके है, ठीक है, तब तो सही है। अगर कंटिन्यूटी ओके नहीं है दोस्तों, यहाँ से लेके यहाँ तक इसके बीच में कहीं वायरिंग टूटी होगी, वो इसको आप रिपेयर कर दें। दूसरा दोस्तों क्या करना है आपको, ये जो ग्रीन कलर का वायर दिख रहा है आपको, ये ग्रीन कलर का वायर, ठीक है, ग्रीन में रेड है, इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लें दोस्तों, कहाँ से लेके कहाँ तक, ये आपके स्विच से लेकर ये स्विच दिख रहा है आपको, रिले का कपलर दिख रहा है, ये रिले का कपलर जो ग्रीन कलर का है, यहाँ से लेके और यहाँ तक की एक बार कंटिन्यूटी चेक कर लें दोस्तों। अगर बीप बज रहा है दोस्तों तब इसका मतलब इसके अंदर का वायर ओके है, अगर वायर कहीं टूटा हुआ होता है तब भी आपकी गाड़ी में अर्थिंग नहीं आएगा, रिले के अंदर अर्थिंग नहीं आएगा, गाड़ी सेल्फ स्टार्ट नहीं होगी। और कंटिन्यूटी चेक करने के लिए पहले गजर पे लगा लें दोस्तों, ये तो मैंने आपको वो बताया है अगर गाड़ी न्यूट्रल में स्टार्ट ना हो दोस्तों। दूसरा पॉइंट दोस्तों, कई कस्टमर की समस्या आ जाती है कि गाड़ी सेल्फ न्यूट्रल करके ही स्टार्ट हो रही है और आपका गियर में स्टार्ट नहीं हो रही है, तब आपको क्या चेक करना है दोस्तों, इधर लिख रहा हूँ। सबसे पहले तो आप स्विच चेक कर लें, जैसे इसी गाड़ी के अंदर मैं आपको बता दूं, ये इसका सेल्फ स्विच, इसका क्लच स्विच ख़राब हो रखा है जो हमारे पास चेंज होने के लिए आया है दोस्तों, ठीक है, ये है इसका क्लच स्विच, ठीक है दोस्तों। क्लच स्विच में वायर है ब्लू में ब्लैक और ग्रीन में रेड, और जिसमें से मैंने निकाला है ये देखो, ब्लैक में वाइट कलर की धारी है और ग्रीन में ब्लैक कलर की धारी है। सबसे पहले दोस्तों आपको ये चेक कर लेना है कि ये जो ब्लैक में वाइट कलर की धारी है इसके अंदर अर्थिंग आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले आपको ये चेक कर लेना है, इसे पकड़ मल्टीमीटर को, यहाँ दिख रहा है दोस्तों ये ब्लैक कलर वाला वायर देखना, ठीक है ना, जो ये आपके क्लच स्विच से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ब्लैक कलर
वायरिंग में वाइट कलर की धारी है दोस्तों। मनोहर इधर आना, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे लगा लें, एक को गाड़ी के बॉडी से कहीं से भी अर्थ कर दें। मैं हर बार बैटरी के टर्मिनल नेगेटिव वाले से अर्थ करता हूँ दोस्तों, ताकि प्रॉपर अर्थ मिले गाड़ी को, ठीक है। उसके बाद देखो ये ब्लैक में वाइट कलर की धारी है, उसमें टच करें दोस्तों। अगर आपका बीप बज जाता है गाड़ी मल्टीमीटर में तो इसका मतलब इसमें अर्थिंग आ रहा है। अगर दोस्तों इसमें अर्थिंग नहीं आ रहा है तो आपको कहाँ से अर्थिंग देना है, कहीं से भी दोस्तों। जैसे ये इतने सारे ये वायर हैं, इन सब में अर्थिंग है, ब्लैक में वाइट कलर की धारी में इनमें से दे दें। नहीं हो तो कहीं से भी बॉडी से अर्थ कर दें। जैसे देखो यहाँ पर भी हर जगह बॉडी से अर्थ आ रहा है, कहीं से भी बॉडी से एक वायर लेके बॉडी से अर्थ करके यहाँ वायर जोड़ सकते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये जो आपको ग्रीन कलर का वायर दिख रहा है, ग्रीन में रेड कलर की धारी का, इसकी कंटिन्यूटी भी ज़रूर चेक कर लें कि यहाँ से लेके पीछे तक की कंटिन्यूटी ओके है या नहीं है दोस्तों, ठीक है। ये ग्रीन कलर का वायर कहाँ जा रहा है दोस्तों, ये पीछे, ये आप एक ये वाला वायर आपके सेल्फ के जो रिले है वहाँ पे जा रहा है। देखो रेड वाले को मैंने ग्रीन में रेड कलर की जो धारी है उसमें लगा दिया है, ठीक है। मल्टीमीटर को मैंने कंटिन्यूटी पे लगा दिया दोस्तों, और इधर ला कर दिखाऊँ। ये जो देखो दोस्तों ये है रिले के अंदर जो वायर जा रहा है, मैंने आपको बताया ना अर्थिंग वाला, यहाँ तक की कंटिन्यूटी चेक कर लें। अगर देखो बीप बच जाता है, ठीक है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की वायरिंग ओके है, जो आपके सेल्फ रिले को अर्थिंग देने दे देगा। अगर सोचो बीप नहीं बज रहा है तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक की या तो पूरा छील के आप वायरिंग देख ले, कहीं से फटी छटी या फटी तो नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ से नहीं करना चाहते हैं तो फिर यहाँ से एक वायर डायरेक्ट खींच लें और डायरेक्ट यहाँ कनेक्ट कर दें, ठीक है। यहाँ कनेक्ट कर दें या बेटर रहेगा आप यहाँ कनेक्ट करें तो सही रहेगा, ठीक है। आपको यहाँ कनेक्ट कर देना है, यहाँ इधर लग रहे हैं, यहाँ पे कनेक्ट करना है दोस्तों, ठीक है। यहाँ कनेक्ट करेंगे तो आपका जो अर्थिंग है ये नेगेटिव से ही जाएगा यहाँ, ठीक है ना दोस्तों। आपको यहाँ बीच में वायर है, जैसे ये ग्रीन कलर का वायर है, यहाँ कनेक्ट कर दें या यहाँ, आप डिपेंड आपके ऊपर है दोस्तों, कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं, बेटर है यहाँ कनेक्ट कर दो सही रहेगा, ठीक है। या तो बीच में, मेरी सलाह तो ये रहती है कि बीच में फाड़ के पूरी वायरिंग को तब आप रिपेयर करो तब अच्छा है, बाकी डिपेंड आपके ऊपर है दोस्तों। अगर शॉर्ट में काम निपटना कम्प्लीट करना चाहते हैं दोस्तों, ये दो वायर अगर आप चेक कर लेते हैं तो इसका मतलब आपके वहाँ तक करंट पहुँच रहा है, तो आपका ख़राब क्या होगा, ये सेल्फ स्विच खराब होगा, सॉरी क्लच स्विच खराब होगा। क्लच स्विच चेक करने का तरीका दोस्तों, एक मल्टीमीटर का पिन इसमें डाल दें और दूसरे वाले को इसमें डाल दें दोस्तों, ठीक है। और मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पर रख के बजर पर रख लें, ठीक है दोस्तों, और क्लच स्विच को दबाएँ, ठीक है। इसमें दोस्तों ये क्लच स्विच ख़राब है, जो इसमें बीप नहीं आ रही, मैं फिर भी बजाने की कोशिश करूँगा। ये देखो दोस्तों, जैसे मैंने ये क्लच स्विच दबा, ये देखो दोस्तों ये क्लच स्विच ख़राब है जो मैंने पहले ही आपको बताया था, और इसमें बीप बज रही है, ठीक है। इसको मैंने किसी तरीके से एडजस्ट करके पकड़ा हुआ है, अगर ये साउंड आ जाती है तो स्विच ओके है, अगर साउंड नहीं आ रही है जो दोस्तों ये मैंने आपको बता दिया है कि क्लच स्विच कैसे चेक करना है। जैसे मल्टीमीटर के दोनों वायर को इधर दिखाओ, मल्टीमीटर के दोनों वायर को यहाँ टच कर देना और इसको कंटिन्यूटी पे लगा लेना, और इसको जैसे ही ब्रेक को प्रेस क्लच को प्रेस करेंगे तो मल्टीमीटर में बीप की साउंड आनी चाहिए। जो मेरे पास ये गाड़ी आई है इसके अंदर क्लच स्विच खराब है, इसको चेंज करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। अगर क्लच स्विच में बीप नहीं बजता है दोस्तों तो इसका मतलब आपको क्लच स्विच चेंज करना पड़ेगा दोस्तों। ये मैंने आपको बता दिया है कि इसमें अर्थिंग नहीं आया तो क्या करना है, और ये इसकी कंटिन्यूटी ये सीधा अपने सेल्फ रिले तक जाता है, ठीक है दोस्तों। और सेल्फ स्विच कैसे चेक करना है, आपको क्लच स्विच कैसे चेक करना है, ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको बता दिया है। और रिले पे 12 वोल्ट बैटरी का 12 वोल्ट जो आता है वो कैसे चेक करना है, ठीक है दोस्तों। और रिले पर जो अर्थिंग आता है वो कैसे चेक करना है, एटलीस्ट मेरे को, मैंने जहाँ तक है सेल्फ का पूरा सर्किट इस वीडियो में मैंने आपको समझा दिया है जहाँ तक है दोस्तों, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ सेल्फ अपाचे के अंदर, सेल्फ के अंदर आपको ये वीडियो देखने के बाद कोई समस्या नहीं आएगी, और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए। और वीडियो अगर अच्छी लगती है दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, ठीक है, धन्यवाद।